रक्षाबंधन का त्यौहार सोमवार को पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, लेकिन असमंजस ये है कि कब बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे और क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है। तमाम बातें जानेंगे, हमारे साथ पंडित जी हैं, एक नहीं दो दो पंडित जी हैं, पूरी जानकारी अपने तमाम दर्शकों को बताएंगे कि कौन सा उचित समय है। साथ ही साथ सबका एक सवाल रहता है कि क्या भाई भी अपनी बहन के हाथ में राखी बांध सकते हैं, तमाम बातें जानेंगे। सबसे पहले पंडित जी का नाम जानेंगे। पंडित जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सन्नी शर्मा है जी। पंडित जी आप अपना नाम बताइए। मेरा रिंकू शर्मा जी है। रिंकू शर्मा जी और सन्नी शर्मा जी हमारे साथ पंडित जी हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें मौका मिला है इनसे बातचीत करने का और आप तक ये खबर पहुँचाने का कि सोमवार को जो रक्षाबंधन पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जम्मू कश्मीर में भी। सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को हम शुभकामनाएं देते हैं इस त्यौहार की। पंडित जी शुभ मुहूर्त बताइए कि अक्सर लोगों में ना असमंजस रहता है कि शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त के पहले क्या हम राखी बंधवा सकते हैं। बहनें सर्च करती रहती हैं गूगल में, आगे पीछे पंडित जी से पूछ रहे, तो हमारी कोशिश ये है कि आपके माध्यम से पता लग सके। ओम गजाननम भूतगणादि सविदं कपिदयं भूफलचारुवक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं महः। सबसे पहले भैया मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आप हमारे इस मंदिर में आए हमारी इस न्यूज़ को कवर करने के लिए। रही बात रक्षाबंधन की, रक्षाबंधन और राखी हमेशा सावन के पूर्णिमा तिथि को बनाया जाता है। जो इस वर्ष जो रक्षाबंधन का महापर्व आ रहा है वो 19 अगस्त सोमवार को आ रहा है, तो उस दिन रक्षाबंधन का महापर्व भी है, तो उसका श्रेष्ठ मुहूर्त जो रक्षाबंधन का इस दिन सोमवार को सुबह 3:05 से पूर्णिमा तिथि जो शुरू होगी, रात्रि को 11:55 तक वो पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो उसके साथ ही जो मकर राशि की जो बद्रें प्रारंभ होंगी वो बद्रों का समय दिन में 1:31 तक उसका रहेगा। उसके बाद जो राखी का जो श्रेष्ठ मुहूर्त प्रारंभ होगा वो रात्रि 9:07 तक जो श्रेष्ठ मुहूर्त चलेगा, उसमें आप बहनें भाई को राखी बांध सकती हैं, क्योंकि रक्षाबंधन भाई और बहन का एक पवित्र त्यौहार है। तो पंडित जी थोड़ी सी ना एक जानकारी और जानना चाहेंगे हम, अक्सर ना लोगों में रहता है कि क्या भाई अपने बहन के हाथों में राखी बांध सकते हैं उस दिन? हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए तो है भाई बहन का तो ये एक पवित्र रिश्ता है, तो हमेशा स्वयं जो पंडित जी ने हमारे बताया कि ये शुभ मुहूर्त है कि आप 1:31 तक जो बद्रा रहेगी मकर राशि की, उसके बाद आप जो है राखी आप बांध सकते हैं अपने पंडित जी। जिस तरह से ना कल रविवार है, छुट्टी रहेगी सभी को, तो बहनों की कोशिश यही है कि छुट्टी के दिन वो अपने भाइयों के घर जाएं और राखी बंधवा सके। अक्सर ना ऐसा देखा जाता है कि जो दूर दूर रहते हैं तो वो राखी कोई बेच देते हैं ना, तो आप बताइए कि कल के दिन अगर राखी पहुंचती है भाइयों के पास तो वो क्या कल ही खुद राखी पहन ले? नहीं नहीं, वो रक्षाबंधन आप सोमवार को ही बनाइए 1:30 के बाद, क्योंकि अशुभ काल में जो राखी बांधना श्रेष्ठ नहीं माना जाता, वो अशुभ होता है, इसलिए शुभ काल जो राखी का है वो दोपहर को सोमवार 1:30 से ही प्रारंभ होगा, उसमें ही राखी बांधे। मतलब कि सीधे तौर पर कहा जाएगी इस बार जो रक्षाबंधन का त्यौहार है बहने अपने भाइयों की कलाई में राखी दोपहर सोमवार 1:30 के बाद बांधे, 1:30 से लेकर कितने बजे तक? 9:07 तक बांध सकती हैं उसमें। तो कहीं ना राखियों का सीजन चल रहा है ऐसे में, हर दुकानों पर राखियों के स्टॉल लगे हुए हैं काफी, आपने भी देखा होगा, तो मेरा भी सवाल है और तमाम जनता का भी ये सवाल है कि राखी खरीदने का भी कोई समय होता है? नहीं नहीं, उसमें कोई मुहूर्त नहीं होता राखी खरीदने में, सिर्फ बांधने का एक श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। बहनें आज भी ले सकती हैं और कल भी राखी ले सकती हैं अपनी भाइयों के लिए। किस तरह से धागा पहनाया जाता है, मतलब एक कोई धागा शुभ रहता हो? एक तो जो बाजार में मिलती है वो भी आप ले सकते हैं, नहीं तो अगर मोली मोली बांधे तो वो भी श्रेष्ठ रहेगा। तो थोड़ा सा इतिहास जानेंगे रक्षाबंधन का कि किस तरह से इस त्यौहार को मनाया जाता है, थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएं। अगर रक्षाबंधन भाई बहन का एक पवित्र त्यौहार है, माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को भी रक्षा सुंदर बांधा था, उसी दिन से ये पर्व चलता आ रहा है। तो ये तमाम जानकारी हमने कोशिश की है, हम मंदिर पहुंचे हुए थे तो क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व है सोमवार को और आप सभी को शुभकामनाएं तो हमने दे ही दी हैं, लेकिन कोशिश यही रहती है हर त्यौहार पर कि कौन सा शुभ मुहूर्त है। अक्सर देखा जाता है कि बहनें ना असमंजस में रहती हैं और कोशिश यही रहती है सबकी कि शुभ मुहूर्त जाना जाए। पंडित जी एक आखिरी सवाल जानेंगे कि अगर शुभ मुहूर्त के समय जब राखी बांधते हैं तो जो लोग बिना मुहूर्त के राखी पहना देती हैं बहनें, उसमें कुछ वो शुभ विशेषकर जो शास्त्र कहता है
कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन बांधना चाहिए बहनों को, राखी बांधनी चाहिए भाइयों को, क्योंकि ये मकर राशि की भद्रे हैं, ये पताल भूलोक में इस धरती पे इसका ज़्यादा प्रभाव रहता है, तो भद्रा में शुभ कार्य नहीं किया जा सकता जी। ठीक है, उसके उसलिए भद्रा का समय त्याग करके श्रेष्ठ जब भद्रा निकलेंगी उसके बाद भाई बहनें आप भाइयों को राखी बांधें तो ठीक है। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों पंडित जी का शुक्रिया। तो ये हमारी एक महत्वपूर्ण जानकारी थी आप सभी लोगों तक पहुंचाने की कि रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है वो कौन सा है, और आपने जान ही लिया कि शुभ मुहूर्त कौन सा है। लेकिन एक बार फिर से हम कोशिश करें अगर आपको बताने की, तो सोमवार दोपहर 1:30 बजे से लेकर रात के कितने बजे तक, 9:07 तक रक्षाबंधन कर सकते हैं। 9:07 तक आप बहनें अपने भाई के हाथों में कलाई धागा जो है वो रक्षाबंधन का बांध सकती हैं। इसी खबर के साथ आप हमें दें इजाजत, आप सभी अपना ध्यान रखें, नमस्कार।